दोस्तों, अगर आपको जो है अपना कपिल का मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पता करना है तो कैसे आप पता कर सकते हो, आज अब मैं बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन में क्रोम ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद सर्च पे क्लिक करके आपको नफात लिख देना है। मैंने थोड़ा सा लिखा, पूरा स्पेलिंग आ गया वेबसाइट का, तो यहाँ पे लिखा हूँ नफात लॉगिन इंग्लिश। कुछ इस तरीके से लिखने के बाद जो है आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो है फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इसको जो है ओपन कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है इसको ओपन कर लेते हैं वेबसाइट पर क्लिक करके। पहले दोस्तों, ये वेबसाइट जो है इंग्लिश में नहीं होता है, मैंने दो तीन बार ओपन किया इसीलिए इंग्लिश में आ गया। तो थ्री लाइन पे आपको क्लिक करके इस वेबसाइट को इंग्लिश में कर लेना है। उसके बाद जो है नीचे यूजर नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है यूजर नेम और नेशनल आईडी और पासवर्ड में आपको क्या डाल देना है, जो आपने अपना अफसर का यूजर नेम पासवर्ड बनाया है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आता है, तो मेरा जो है आ चुका है वन टाइम पासवर्ड, जो है यहाँ पे बता रहा है 3367। उसके बाद जो है कंटिन्यू मैं कर देता हूँ वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट जो है अरबी में होता है, तो आपको जो है थ्री लाइन पे क्लिक करके जो है इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है। वेबसाइट को इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाइएगा, नीचे आना है आपको थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। इस वेबसाइट को अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा। ये गोसी की वेबसाइट है जो इंश्योरेंस होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर, थ्री डॉट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाता है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद जो है इस वाले होम पे क्लिक कर दीजिएगा। होम पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका जो है प्रोफाइल नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा और नीचे आ जाना है। तो अगर आपका कंपनी यहाँ पे मोबाइल नंबर के जगह पे मोबाइल नंबर डाला होगा तो यहाँ पे जो है आपका कपिल का जो है मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। मेरा कंपनी नहीं डाला है, और यहाँ पे जो है मेरा कंपनी ने एक अच्छा काम किया है, अपना जो जीमेल आईडी है ऐड किया है। तो मैं जीमेल आईडी के थ्रू भी जो है कंपनी को ईमेल कर सकता हूँ जो भी प्रॉब्लम है। तो मोबाइल नंबर जो है अगर आपका कंपनी डाला होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, आप जो है कॉपी करके जो है आप अपने कंपनी अपने कपिल से जो है बात कर सकते हो। अगर आपका कंपनी का जीमेल आईडी है तो ईमेल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप पता कर सकते हो।